राजस्थान के उदयपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के जरिए आप देख पाएंगे कि कैसे वहां दो हेड कांस्टेबल को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों धर दबोचा गया। दोनों आरोपी शहर के कारोबारी को बचाने के लिए घूस मांग रहे थे, जिसके बाद एसीबी की स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिल्मी स्टाइल में गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गोवर्धन विलास क्षेत्र में दोनों आरोपियों की गाड़ी को रोककर एसीबी ने दबोच लिया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल भाग गया, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसको भी टीम ने पकड़ लिया। दरअसल शराब तस्करी मामले में पीड़ित पर गांधीनगर में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं नाम हटाने के एवज में दोनों हेड कांस्टेबल 2,00,000 रुपए की घूस मांग रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत उदयपुर एसीबी से की थी, जिसके बाद एक्शन हुआ और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक परिवार के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि दबंग पीड़ित परिवार के मकान पर कब्जा करना चाहता था। मकान खाली कराने के लिए दबंगों ने एक विधवा के परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग पीड़ित पर ताबड़तोड़ लातें बरसाते नजर आए। हालांकि मार से बचने के लिए पूरा परिवार एक कमरे में जाकर बंद हो गया, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं माने और हथौड़े से गेट को तोड़ने लगे। इस बीच आरोपियों ने एक लड़के पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिसमें वो लड़का लहूलुहान हो गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। इस बीच कई लोग मौके पर तमाशबीन बने खड़े रहे। किसी ने भी ना तो मारपीट को रुकवाने की कोशिश की और ना ही उस आदमी को छुड़ाया। इस बीच पीड़ित महिला लोगों से गुहार भी लगाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और बिहार के नालंदा में एक आदमी का अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आदमी घर के अंदर बैठकर अवैध हथियारों की सप्लाई करता और साफ सफाई करता दिखता है। अवैध हथियारों के साथ खेलने वाले इस आदमी की पहचान विनायक पांडे के रूप में हुई, जो नालंदा के नूरसराय इलाके का रहने वाला है। वायरल वीडियो में वो एक देसी तमंचा लेकर घर के अंदर चारपाई पर बैठा हुआ दिखा और बिना कारतूस के इस तमंचे को फिल्मी अंदाज में चलाता नजर आया। यही नहीं, उसने फिल्मी अंदाज में दूसरे आदमी से इसका वीडियो भी बनवाया। विनायक पांडे नाम के आदमी का एक और वीडियो भी वायरल है, जिसमें आरोपी एक देसी तमंचे को ब्रश से साफ करता दिखाई दिया। तमंचे के साथ आदमी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और उसकी तलाश में जुटी। बताया गया कि आरोपी की अपने दोस्त से कहा सुनी हुई तो उसके दोस्त ने तमंचे वाले वीडियो वायरल कर दिए। टीआरपी की ब्रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है और ये बहुत बड़ा फासला है, जो हर हफ्ते और भी बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.4% आज तक को लोगों ने देखा है और आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनल पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ रही हैं। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी जैसे चैनल भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे। न्यूज 18 इंडिया को 10,50,00,000 दर्शकों ने देखा है, जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।